कि कर्मचारियों के विलीनीकरण की मांग पूरी न होने से कर्मचारी उद्धव ठाकरे से नाराज थे, इसलिए ठाकरे सरकार के सत्ता से हटने के बाद एसटी कर्मचारियों ने पटाखे फोड़ कर जश्न मनाया। ठाकरे सरकार के सत्ता से हटने के बाद एसटी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीड में माजलगांव एसटी डेपो के कर्मचारियों ने एसटी डेपो में आतिशबाजी और पटाखों के साथ इस अवसर का जश्न मनाया। विलीनीकरण की मांग को लेकर 5 महीने से एसटी कार्यकर्ताओं का आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में एसटी कर्मचारियों का सरकार में विलीनीकरण नहीं किया गया, इसलिए एसटी कर्मचारियों की यह मांग आज भी है। ठाकरे सरकार के सत्ता से हटने के बाद एसटी कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत का जश्न मनाया। इस बीच महापुरुषों के नाम पर घोषणाएं भी की गई। आज खरे अर्थान आमच्या सर्व महाराष्ट्रातील एसटी कामगारांचा विजय झाला असं म्हणायला हरकत नाही। आम्ही या आघाडी सरकारच्या काळामध्ये 5 महिने आंदोलन करून देखील जाणून बुजून आम्हा या कष्टकऱ्यांना त्यांनी या न्यायापासून वंचित ठेवलं, कुठल्याही प्रकारचा आम्हाला लाभ दिला नाही। आणि आमचे ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते साहेब आणि डॉक्टर जयसीताई पाटील मॅडम यांनी 2 महिन्याच्या अगोदरच भाकीत केलं होतं की हे सरकार फार काळ टिकणार नाही, आणि त्यांचं हे भाकीत खरोखरच सत्यात उतरलं आहे। आणि इथून पुढं आम्हा कामगारांना एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय भेटल एवढी आम्ही मनापासून अपेक्षा व्यक्त करण्यासाठी आणि हे आम्ही आनंदोत्सव साजरा करत आहोत। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।